मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग के साथ, मेरे बेटू उठ गया था और थोड़ा सा टेंस हो रहा है। क्यों हो रहा बेटा? क्योंकि इसका फ़ोन चार्ज नहीं है, जो मेरा पुराना फ़ोन है ना वो चार्ज नहीं हो रहा, इसीलिए। तो अभी मैंने खाना बना रखा है, तो खाने में कितनी सारी चीज़ें हैं, दही भी है, सब्जी भी है, मतलब आलू, हाँ क्या कहते हैं, ग्वार की करी बनाई है, और इधर सबसे अच्छी आज सिंगाड़े मंगाए थे, और सिंगाड़े पता खाए भी नहीं हम लोगों ने, और इसके पापा ऐसी चीज उठा के लाए जो बच्चे नहीं खाते, और मेरे बच्चे ना ये ऐसी चीजें नहीं खाते, ये तो सिर्फ एप्पल खाते हैं और बनाना आपका और ग्रेप्स, ये तीन चीजें तो खूब खाते हैं, उसके अलावा बहुत कम खाते हैं, और अदर फ्रूट्स पर ले आए थे। मैंने सोचा अच्छी बात है, चल ले आए, मैं तो खा लूंगी, मैं तो खा लेती हूँ सब कुछ। तो अभी लग गई हूँ किचन की सफाई करने, क्योंकि सुबह सुबह जब चले जाते हैं ना ऑफिस इसके पापा और बच्चे, तो फिर थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ, और मैं उसके बाद बैठती हूँ 10-5 मिनट। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ना? कई दिनों में, मतलब 6 महीने से ज़्यादा होगा जब इतनी अच्छी कैरी मेहंदी लगवाई, बहुत हल्की हल्की लगवाती हूँ। तो अंश देखो रोने लग गया है। क्यों रो रहा बेटा? और आज जाऊंगी मैं मंदिर, क्योंकि मेरी छोटी वाली वो ना छोटी बेटी तेजू, तो उसके ना माता निकल आई है, तो उसके झाड़ा लगवाना है। मम्मी आई घर से, गांव से, तो वहाँ मंदिर जाना है। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहना और दिखाऊंगी कैसा मंदिर है। मंदिर तो मंदिर होता है, देखो छोटा हो या बड़ा हो उस वो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन ये है ना आप कितने दिल से मानते हो वो होता है, आप पर डिपेंड करता है। तो अंश के लिए मैं लाई थी जेसीबी वगैरह, देखो ये ट्रैक्टर जेसीबी दिखा दो बेटा की, नहीं टूटी, जोड़ के दिखाओ, चलो सारी चीजें। हाँ इधर आओ, मैं कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? दादी के पास अभी हो रही है सुबह की आरती, और बहुत ही मज़ा आता है। मैं जब भी धार्मिक किसी स्थान पर जाती हूँ तो इतना अच्छा मन लगता है, और पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको सुकून मिलता है। आप जब भी जाते हो ना कहीं पर तो बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, तो इसी में पहले नहीं जाती थी, लेकिन अब तो मैं मम्मी जाती हैं, जब ही जाती हूँ मम्मी के साथ और मैं चली जाती हूँ। मैं कभी आनाकानी नहीं करती, बस मन है तो जाऊँगी। तो ज़्यादातर मेरा मन, मतलब धार्मिक स्थान पर जाने के लिए मैं हमेशा रेडी होती हूँ। तो अभी चल रही थी यहाँ पे आरती, तो सब मम्मी तो पहले आ गई थी गाँव से, और मैं गई थी बाद में। तो मम्मी ने पूरा, मतलब सुबह आ गई थी मम्मी 8:30 बजे करीब, तो तेजू के झाड़ा वगैरह लगवाया क्योंकि उसके माता है इसीलिए। और अभी हो रही है आरती, तो आप लोग भी आरती सुनिए। और आरती में खूब सारी भीड़ थी, मतलब मंदिर में बहुत सारे लोग थे, और पता चल रहा था कि हाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अभी यहाँ हवन वगैरह हुआ था, तो इसीलिए हवन के बाद आरती हो रही थी। और इधर सारे मंदिर हैं प्यारे प्यारे से, और ये हमारे छोटे से बजरंगबली, तो जय बजरंगबली की। और इधर मतलब बहुत सारे मंदिर थे इसमें, और बहुत बड़ा भी है। मैं तो सेकंड टाइम गई हूँ, उससे पहले नहीं गई थी जहाँ मैं रहती हूँ। तो और अंश और मेरी अंशिका भी बहुत खुश होती हैं जब भी जाते हैं। और तो ये है प्यारा सा मंदिर, और यहाँ है विष्णु भगवान का, और खाटू श्याम का, और बालाजी का। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। मैं और मम्मी इधर मंदिर में, छोटा सा मंदिर है इधर बाहर की साइड, पहले इसमें गए हैं, फिर अंदर आरती वगैरह हो रही थी, वो हो गई है हमारी, और अब चलते हैं अंदर। बड़ा प्यारा है, क्योंकि मैं तो दूसरी बार गई हूँ, क्योंकि बच्चों के जश्न आने में झाड़ा वगैरह लगाने के लिए, यहाँ झाड़ा वगैरह लगाते हैं बाबा जो बैठते हैं, और ये अच्छा लगाते हैं, मतलब बच्चे को फ़ायदा हो जाता है, नज़र हो या कोई भी फुलसी हो वगैरह, और जो माता वगैरह इनका लगाते ही लगाते हैं। तो ये हमें बहुत भीड़ थी,
और मैं और मम्मी और तेजू, तेजू हमारी बहुत खेल रही थी तेजू और अंश। अब ये लोग बच्चे हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं तो खेलने में बिजी हो जाते हैं अपने, तो इतना वो नहीं रहती कि बच्चों को गोद में उठाना है कि नहीं। हमारे ये बच्चे ना खेलने में बिजी हो जाते हैं। तो जो कहते हैं नंदी बाबा का है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तेजू है और अंश है और मुन्नी जी हैं। ये साईं बाबा का मंदिर है, अच्छा है बहुत मंदिर, और उधर भी है। तो अभी उधर खाटू श्याम जी के मंदिर में बड़ा प्यारा सा है, चलो उधर भी चलते हैं। मतलब सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो मतलब जितने भी टोटल होते हैं सबके बने हुए हैं, छोटे छोटे और बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो इधर खाटू श्याम जी का और वैष्णो मतलब विष्णु भगवान और हमारे बालाजी का मंदिर है, इसमें बहुत ही प्यारा सा। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, या प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। आपको पता है बहुत ही कई कई दिनों में लेके आती हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।